हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र ब्रांच। जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है, 10 AM और 5 AM पे क्लासेस होती हैं एज फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड सर की, रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए। उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम लोग फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन। सो कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैविंग मास M1 M2 are attached to a end of a string of negligible mass and suspended from massless pulley. The acceleration of bodies is. So, इसमें हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। A equals to M2 minus M1 upon M2 प्लस M1 इंटू जी। सो वैल्यूज पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। इसमें M2 क्या है, M2 हमारा 60 दिया है, M1 क्या है 40 दिया। वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू 10 लेंगे, आंसर आएगा हमारा 2 m/s², दैट इज बी ऑप्शन। और ऑप्शन इज बी, ओके, फर्स्ट का बी। फॉर्मूला लगेगा A इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ अ वेट ऑफ अ मैन इज स्टेशनरी इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A इज 3:2, देन द वैल्यू ऑफ A। फिर से हमें क्या निकालना है, A, ओके। सो हमें लेट करते हैं कि W डैश इज द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन। तो ये हम लोग W इक्वल्स टू mg होता है, तो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, तो mg माइनस a करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हम लोग से क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इज स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब 3/2 क्या है उसका, रियल वेट अपॉन अपेरेंट वेट। तो रियल वेट क्या होता है, mg, अपेरेंट वेट क्या होता है, mg माइनस a, mg माइनस a। तो यहाँ से हमें वैल्यूज पता है, g की वैल्यू पता है, mm कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी g/3। करके देखते हैं, यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 3g माइनस 3a इक्वल्स टू 2g, ओके। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू g/3। आई होप ये समझ में आ रहा हो। तो हमें से क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g/3, दैट इज 2 का p g/3, ओके। सो मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। An open knife edge of mass 200 gram is dropped from a height on a 5 meter cardboard. ठीक, open knife edge को cardboard पे फेंका गया, the knife edge penetrates the distance. Suppose ये आपका cardboard है, ठीक, ये cardboard है और ये knife है. So ये knife कुछ distance तक अंदर penetrate कर गई. पूछ रहे एवरेज डिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कार्डबोर्ड टू द नाइफ एज। सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, नाइफ की। तो यू इक्वल्स टू क्या होगा, √2gh. जी की वैल्यू 10 रख देंगे, एच की वैल्यू क्या रखेंगे, 5। हाइट यहाँ पे 5 है ना, तो हमारी यू की वैल्यू आएगी 10 m/s², 10 m/s² आएगी।
फिर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है वी क्या होगा। वी देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो हमारा वी जीरो हो जाएगा। यू कितना होगा, यू टेन दिया हुआ है, टेन अभी निकाला है, मतलब हम लोगों ने टेन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए नहीं पता है। एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है टू। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ए इक्वल्स टू माइनस हंड्रेड अपॉन टू इंटू टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या आया हमारा एक्सेलरेशन, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रिटार्डेशन, है ना, एवरेज डिस्टेंस ऑफर्ड बाय द। सबसे पहले हम लोग फिर क्या निकालेंगे, हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकाला, रिटार्डेशन की कितना रिटार्ड हुआ वो ड्यू टू ग्रेविटी। रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश इक्वल्स टू जी प्लस ए। ओके, सो ए हमारा माइनस 25 आया, यहाँ से ए डैश निकल आएगा, ए डैश इक्वल्स टू जी प्लस ए होता है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 35 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए डैश आया। अब हमें फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, बट ये क्या है, रिटार्डेशन है, तो एम ए डैश करेंगे, ए डैश 35 है, एम कितना है, एम दिया हुआ है 200 इंटू 35 करेंगे तो आएगा 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फिर इसको फर्दर चेंज करेंगे न्यूटन में, देखो मैं लिख के दे देती हूँ वरना बाद में कन्फ्यूज़न होगी। फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एफ इक्वल्स टू एम ए डैश करेंगे। ओके, एम हमें 200 ग्राम दिया है तो हम इसको चेंज करेंगे एसआई यूनिट में, 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ए डैश कितना निकाला, 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7000 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा। तो उसको हमें किसी भी चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में, क्योंकि आंसर्स न्यूटन में दिए हैं, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन 3 का 7 न्यूटन आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले यू निकाला, यू से हमने ए निकाला, ए से ए डैश निकाला, ए डैश से देन रेजिस्टेंस निकाला। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉन्ग नहीं है क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सिटिंग ऑन द अपर बर्थ ऑफ अ कोच ट्रेन विच इज टू बी स्टॉप्ड ऑन अ नियर बाय स्टेशन, मैन ड्रॉप्स एन एप्पल ऑन द ओपन हैंड ऑफ हिज फ्रेंड सिटिंग जस्ट बिलो द जस्ट बिलो द मैन अबाउट 2 meters अवे, एप्पल विल ड्रॉप। ऑप्शन वन इज एग्जैक्ट इन हिज हैंड ऑफ हिज फ्रेंड लिटिल अवे फ्रॉम द हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, नन ऑफ द अबव। सो एक मैन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, उसने एक एप्पल फेंका बाहर, तो पूछ रहा है कि एप्पल कहाँ जाएगा, उस फ्रेंड के हाथ में जाएगा, जस्ट उसके हाथ में जाके हिट करेगा, या थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा मतलब एकदम डायरेक्ट थोड़ा सा अवे गिरेगा, या कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 4 का बी, लिटिल अवे फ्रॉम द हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन चल रही है ट्रेन डायरेक्शन में ही गिरेगा, बट थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट उसके हाथ में नहीं गिरेगा। ये प्रेडिक्शन है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट करना ईजी है हम लोग के लिए। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ऑप्शन वन इज नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कोई वर्क नहीं होता जब डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्ट्यूज देन वर्क डन इज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल सेंट्रल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। सो इसमें हमें करेक्ट नहीं बताना है, इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। तो सेंट्रल फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव सारे नहीं होते हैं। फिफ्थ का डी होगा, दैट इज ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके,
नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 केजी फॉर 10 सेकेंड, द चेंज इन इट्स मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम पूछ रहा है इसमें. सो मोमेंटम का हम लोग क्वेश्चन करते हैं. सो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी एफ इंटू डेल्टा पी डेल्टा टी. तो हमें डेल्टा पी पूछ रहा है, एफ कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया है 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारा आंसर 100 केजी पर सेकेंड. ओके आई होप ये क्लियर होगा. मूव टू आर नेक्स्ट, अगर फॉर्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन कोई भी टफ काम नहीं, टफ नहीं है ये सब क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है बेटा अ गन फायर्स एन बुलेट्स पर सेकेंड, ईच ऑफ मास एम विद वेलोसिटी वी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट्स ऑन द गन इज. ओके सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गन है जिसने एन बुलेट्स पर सेकेंड फायर करे, जिसका मास एम है और वेलोसिटी वी है. ठीक, तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगाया बुलेट्स ने गन पे. ओके तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू पी इन टू टी, फोर्स एक्सर्टेड बाय हम लोग ऐसे निकालेंगे पी इन टू टी. ठीक, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पी क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी, एम वी होता है. तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा कैपिटल एन इंटू एम वी, एक मिनट, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा एन एम वी माइनस यू टी. ओके सो जब हम U को जीरो ले लेंगे और T को वन ले लेंगे, U को जीरो ले लेंगे और T को वन लेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एन एम वी, क्या बनेगा एम एन वी. क्या एम एन वी हमारे ऑप्शंस में है, यस दिस इज सेवेंथ का ए वन. सो समझ में आ रहा है, फॉर्मूला पता है तो ये सब क्वेश्चन इज नॉट अ वेरी टफ थिंग. देखो हमने क्यों यू और टी को वन, क्योंकि हम देख रहे हैं आंसर में कहीं यू और टी का जिक्र ही नहीं है, तो हमें वहाँ पे यू को जीरो और टी को वन लेना पड़ेगा, तभी आंसर मैच करेगा. नेक्स्ट है इम्पल्स इज अ ए ऑप्शन स्केलर, बी ऑप्शन इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी, सी ऑप्शन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, डी ऑप्शन अ फोर्स. सो क्वेश्चन एट का हमारा आंसर है बी, दैट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. इम्पल्स इज अ, सो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, इम्पल्स इज अ, ओके मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the correct representation of second law of motion? F equals to ma. ये तो रटा होता है बचपन से, F equals to ma होता है. Move to our next question. A car is moving with a speed of 50 km per hour. It can be stopped by brakes over a distance of 6 meters. The same car is moving at a speed of 100 km per hour. The stopping distance is. स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है, मतलब इसमें फिर हमें क्या बताना है, रिटार्डेशन. ओके तो चलिए हम लोग करते हैं इजी से क्वेश्चन को. सो केस वन में, केस में दो दो केस बनेंगे. पहला केस हमें हमारा बनेगा कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, जब वी ज़ीरो होगा, जब वी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब वी ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आएगी 50 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 6. अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा. ओके सो ये कर लिया. नेक्स्ट हमारा केस टू बनेगा, केस वन केस ए नोट कर लिए, केस टू आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस टू ए एस. सो यहाँ से हम लोग केस टू भी कर लेंगे तो हमारे s की वैल्यू आएगी 24, दैट इज d1 24 मीटर. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.
हाँ